सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पत्नी अकेले प्रयोग ही नहीं होगा, उसके साथ प्रयोग होगा धर्म पत्नी। पत्नी सब तो कोई सामान्य, आप लोग समझते हैं कि फेरा लग गया तो पत्नी हो गया, नहीं। पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र से बनेगा पतनात पातति इति पत्नी। पाणिनि में पतनात पातति इति पत्नी है, शब्द की व्युत्पत्ति आप पढ़िए, मतलब पत्नी का पूरा अर्थ क्या हुआ, जो अपने पति को पतित होने से रोक दे, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। ये नहीं है कि खाली फेरा लगा दिया तो पत्नी हो गई है। कार्ये सुमंत्री सयने सुरंभा है, सेवस दासी, सेवा करे तो दासी का पद है, भोज्ये सुमाता, भोजन परोसती है तो माता का पद है, इसलिए अलग अलग उसका हिसाब है। पत्नी को सामान्य थोड़ी समझने चाहिए। तो पत्नी का मतलब है जो पति को धर्म में लगा दे, अधर्म से हटा दे। पहले धर्म पत्नी संबोधन था, आप लोग गाँव में क्या बोलते थे, ये कौन है, ये हमारी धर्म पत्नी है, ये परिचय दिया जाता था। आजकल नहीं, आजकल तो एक ही परिचय है, ये कौन है, ये हमारी वाइफ, वाइफ। अब वाइफ का अर्थ बिल्कुल सीधा है, वाइफ इज ए नाइफ हु कट्स लाइफ। अंग्रेजी वाले समझ गए, हिंदी में हम नहीं बोलेंगे, हमको लड़ाई बोल नहीं लेनी। WIFE है ना, बरीज इन बैड फॉर एवर। अब वो जो पति देव थे वो आजकल हसबैंड हो गए, हंसने का बैंड बाजा, बेचारे बाजे की तरह हे करते रहे, उन्हें यही पता नहीं हम पति हैं कि वॉचमैन है। अरे भाई, अंग्रेजी से हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन उस अंग्रेजी का अर्थ तो समझ में आए, ऐसा शब्द बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अरे आदमी कितना भी भूखा हो तो रसोई में खाएगा ना, रसोई, हम लोग गांव में बोलते ये हमारी रसोई है, रसोई घर पवित्र करो, रसोई। पहले रसोई में भोजन होता था, अब शहरों में ऐसी जगह भोजन होता है कि नाम सुन के लोग कप जाएंगे। डाइन, डाइन आदमी को खाएगी कि डाइन पे बैठ के कोई खाएगा, उसका नाम है डाइनिंग टेबल। डाइन शब्द ही खराब है, डाइन इतना गलत शब्द कहां से आया साहब, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता है कहां से बन गया। तो अंग्रेजी से हमको एलर्जी नहीं है, लेकिन कई बार हमें उसकी बात पर आपत्ति है। एक गांव में सज्जन रहते थे, पूरे अंति होगा मान लो ऐसे कोई गांव था, उस सज्जन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अब गांव में थोड़ा उससे जरा रहते थे, थोड़ा रुआब में रहते थे। हाँ, केहू आदमी आए तो ओके एकदम फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते थे, और चार इंग्लिश उनको आता था, दूसरा और कुछ आते नहीं था। कोई मिलता था ना तो पहले नंबर इंग्लिश में ही बात करते थे, और क्या बोलते थे, यस नो वेरी गुड थैंक यू। सामने सुनने वाला समझता था क्या क्वालिफाइड आदमी है साहब, क्या गजब, क्या अंग्रेजी बोलता है, और जब बोले तो चार ही बोले, यस नो वेरी गुड थैंक यू। और एक दिन ऐसी मुसीबत आई कि ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी का मोबाइल चोरी हो गया, और उसने उन्हीं से पूछ दिया, भाई साहब हमारा मोबाइल चोरी हुआ है, आपको मिला तो नहीं, मिला हो तो बोलो, बोले यस, बोले तो दे दो, बोले नो, तो उसने दो चार थप्पड़ दिया, बोले वेरी गुड थैंक यू। अब उन्हें यही नहीं मालूम क्या बोलना चाहिए जब तुमने अंग्रेजी का अर्थ ही नहीं पता है साहब, तो ये भी ठीक नहीं है, इतना भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए।